सो रेट कांस्टेंट क्योंकि अपने आप में एक कांस्टेंट है, तो वो कहीं ना कहीं किसी की प्रोपोर्शनैलिटी के बीच में तो आया ही होगा। हम लोग कांस्टेंट्स कब लगाते हैं? हम कांस्टेंट्स तब लगाते हैं जब हम लोगों को किसी भी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना होता है। रेट कांस्टेंट क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी हटाएगा, और वो रेट वर्ड है तो वो कहीं ना कहीं केमिकल काइनेटिक से जुड़ा हुआ है। तो हम बात करते हैं, फॉर्मूला लिखती हूँ एंड देन प्रोपोर्शनैलिटी हटा के रेट कांस्टेंट लगाएंगे। तो सिंपल केमिकल काइनेटिक्स क्या कहता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर स्टोशियोमेट्री। तो हम लोग कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं, सपोज एक्स ए इज रिएक्टिंग विथ वाई बी टू गिव सी 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 कोई भी प्रोडक्ट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन या फिर केमिकल काइनेटिक्स कहता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑफ इट्स स्टोशियोमेट्री। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है उसको हम कहते हैं रेट कांस्टेंट के, और बाकी चीजें हम लोग एज इट इज लिख देंगे। हाँ, यहाँ पर एक छोटी सी और चीज बता देती हूँ, अगर आपको इसी रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है ना, तो आप एक्स प्लस वाई कर देंगे थियोरेटिकली, नॉट प्रैक्टिकली। थियोरेटिकली आप क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई कर देंगे तो आपको ऑर्डर मिल जाएगा। अब रेट कांस्टेंट जो है इसका सिंपल इतना ही मतलब है कि इट इज नथिंग बट द रेट कांस्टेंट विच इज गिविंग द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन। बट रेट ऑफ रिएक्शन के बहुत एप्लीकेशन है, जैसे कि जिस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है, फॉर एग्जाम्पल रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू जिसकी ज्यादा होती है वो रिएक्शन अज्यूम किया जाता है कि वो रिएक्शन फास्टर है। रेट ऑफ रिएक्शन का टेम्परेचर से बहुत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, रेट कॉन्स्टेंट उतना ही ज्यादा होगा जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि रिएक्शन जो है वो उतना ही फास्ट होगा। नाउ अब इसका हम अगर बात करें तो इसका एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो एसआई यूनिट कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको हम लोग रेट अगर ज्यूम कर रहे हैं तो रेट का मतलब क्या होता है, रेट मतलब होता है कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट और कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको मैं कॉन्सेंट्रेशन अज्यूम कर लेती हूँ, कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम है इक्वल्स टू के, और ये भी क्या है, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन सी है ना, तो क्या होंगे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर एक्स प्लस वाई। अज्यूम कर लो कि अज्यूम कर लेंगे ए इक्वल्स टू बी, अगर हम लोगों को किसी का रेट कॉन्स्टेंट का अगर हम लोगों को ऐसा यूनिट निकालना ही है तो अब के का यूनिट निकालना है तो ये यहाँ पर आएगा, तो क्या होगा, के इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम मल्टीप्लाइड बाय वन बाय कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर, इसको स्क्वायर ब्रैकेट ले लो, टू द पावर एक्स प्लस वन। और ये ऑर्डर देता है, बताया मैंने यहाँ पर, तो सपोज सपोज आपको जीरो ऑर्डर का ऐसा यूनिट निकालना है, ठीक है। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या होगा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, एक्स प्लस वाई की जगह लिखूंगी जीरो। इन सिंपल मैथमेटिक्स एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन, तो एनीथिंग टू द पावर जीरो वन होता है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई, नलीफाई हो गई। तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो आएगा आपको ऐसा यूनिट को कंट्रीब्यूट करेगा। एक और चीज, जब भी हम लोग केमिकल काइनेटिक स्टडी करते हैं ना, तो अंटिल एंड अनलेस इट इज गिवन द क्वेश्चन दैट द कॉन्सेंट्रेशन इज मोलालिटी नॉर्मालिटी एनी अदर थिंग, जब तक नहीं दिया हुआ तब तक आपको उसको मोलारिटी की तरह ही ट्रीट करना है, ठीक है। सो हम इसको मोलारिटी के लिए ट्रीट करेंगे, तो इसका क्या आएगा, के इक्वल्स टू मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, तो वो होगा मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर। और टाइम का ऐसे यूनिट क्या होता है, सेकंड्स, तो नीचे अगर सेकंड्स है तो ऊपर क्या होगा, पर सेकंड, सॉरी पर सेकंड। तो ये रहा जीरो ऑर्डर के लिए, ऐसे ही आप लोग बाकी ऑर्डर्स के लिए भी निकाल सकते हो। कैसे, सपोज उसने फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालने के लिए कहा, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आप क्या लेंगे, वन लेंगे, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर वन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ही होगा, तो ये कॉन्सेंट्रेशन कट जाएगा, क्या बचा, सिर्फ टाइम। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की ऐसा यूनिट आती है पर सेकंड, ऐसे ही आप सेकंड और थर्ड ऑर्डर के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। अदर देन दैट आई डोंट थिंक यहाँ पर और कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है, रेट कांस्टेंट कांस्टेंट ही है, वो रिलेशनशिप एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे एसआई यूनिट्स पेपर में पूछे जाते हैं मोस्टली, तो आप लोगों को ये सिंपल फॉर्मूला है, एक बार और थोड़ा अच्छे से लिख के दे देती हूँ मैं, मतलब कन्वर्जन ही है, ज्यादा कुछ नहीं है ये सब चीजें। मैंने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन का जो ये स्टार्टिंग रहता है ना, उसी चीज को बस कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट कर लिया। तो के ऐसे यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय वन बाय कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर एक्स प्लस वाई। बस ये याद रखना है कि एक्स प्लस वाई आपका क्या एक्सप्लेन करेगा, ऑर्डर एक्सप्लेन करेगा। और हम लोगों ने क्या किया, किसी भी रिएक्शन में ये जो ए और बी है इनको इक्विवेलेंट अज्यूम कर लिया है, तब जाके आप लोगों का रेट कॉन्स्टेंट का ऐसा यूनिट बहुत ईजिली निकल पाएगा।
So this is everything about rate constant.